हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल। इस कैंडल की खास बात यह है कि बहुत ऐसे नए ट्रेडर हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इन्वर्टेड हैमर बुलिश है या बेरिश है। इसी तरह से शूटिंग स्टार में भी कंफ्यूजन बना रहता है कि ये कैंडल शूटिंग स्टार है या इन्वर्टेड हैमर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार है, दोनों में डिफरेंट क्या है। ये सारी चीज़ें में बहुत सारे कंफ्यूजन बना रहता है बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। यदि आप चाहते हैं वाकई में कि इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार के द्वारा आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा अर्न करें, तो इन दोनों कैंडल्स को समझना बहुत ही जरूरी है। यदि इन दोनों कैंडल्स को आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो पाएगा और आप लोग ये समझ पाएंगे कि आखिर में इन्वर्टेड हैमर क्या है और शूटिंग स्टार कैंडल क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें या शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न की पहचान कैसे करें, इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न के निर्माण के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, शूटिंग स्टार पैटर्न के बनने की पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में ट्रेड कब लें और शूटिंग स्टार कैंडल जब बनता है तो उसमें ट्रेड कब लेना है, उसी तरीका से फिर इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में टारगेट कहाँ पे सेट करना है, शूटिंग स्टार में टारगेट कहाँ पे सेट करना है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल में आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और शूटिंग स्टार कैंडल में आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करते रहिए और पढ़ते चलिए। आज के बाद इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा बस इस एक वीडियो से। और इसी वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि शूटिंग स्टार कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में डिफरेंस क्या है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार कैंडल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको किस तरीके से हम परिभाषित करते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल को। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये चीज सुनकर के आप आश्चर्य में ना पड़े कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। क्लियर है? अभी मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। आगे देखते हैं, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल देता है। जब किसी डाउन ट्रेंड के बॉटम में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है तब इसे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको भरपूर टाइम दे रहे हैं, और आराम से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बनाते चलिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले इन्वर्टेड हैमर पैटर्न का ये देखा कि आखिर में इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली बात यही आप लोगों को क्लियर हो गई है कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब बात आती है कि आखिर में हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न की पहचान, तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। ऐसे कैंडल की तलाश करें जिसका बॉडी नीचे की तरफ हो तथा ऊपर साइड हो, यानी कि ऊपर विक निकला हो और वो विक कितना हो, दुगुने से भी अधिक हो। यदि इस प्रकार का कैंडल आपको चार्ट पर मिल जाए तब आपको मानकर चलना चाहिए कि यह एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहचान करने का सीधा सिंपल सा मतलब यह है कि शूटिंग स्टार की आप पहचान कैसे करेंगे। शूटिंग स्टार कैंडल जब चार्ट पे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दे, इसका जो विक है, ये जो विक है आप लोग देख सकते हैं, इस बॉडी से दुगुना होना चाहिए। यदि ये इस तरीका से बना हुआ है तो इसका विक भी लंबा होना चाहिए, तब जाकर के इन्वर्टेड हैमर में काउंटिंग होगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। ये सारा जितना भी हम बना रहे हैं ये सब इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बना रहे हैं। क्लियर है? तो इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अब यहाँ पे बात आती है शूटिंग स्टार कैंडल और इन्वर्टेड हैमर। तो जब आप लोग पहचान करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल्स की, तो इसका सिर्फ पहचान यही है, आपको चार्ट पे कुछ इसी प्रकार का कैंडल देखने के लिए मिलेगा। यही कैंडल इन्वर्टेड हैमर भी है और यही कैंडल
शूटिंग स्टार भी है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका फिगर बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे तरीके से नोट बनाते हुए चलिए। अब हम ये देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने की पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लोग कुछ इस तरीके से चार्ट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ किए हुए हैं, मार्केट कुछ इस तरीका से नीचे गिरते हुए आ रहा है, मार्केट नीचे गिरते हुए अपने सपोर्ट तक आ जाता है, क्लियर है, और इसके बाद में सपोर्ट पे जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये देखने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है। यदि सपोर्ट के पास में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन्वर्टेड हैमर बना, रेड हो या ग्रीन हो इससे हमको मतलब नहीं है, बस इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल्स, रेड वाली कैंडल की क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग पॉइंट क्या है आपका, क्लोजिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, और जो ये कैंडल, जो ये वाली कैंडल बनी है, ये कैंडल इसका ओपनिंग आप लोग देखिए कहाँ पे है, ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ है, रेड वाला कैंडल कहाँ से ओपन होता है, ऊपर से ओपन होता है, यानी कि इस कैंडल ने यहाँ से ओपन हुआ है, और जो ग्रीन वाला कैंडल हुआ है ओपन, ये यहाँ से हुआ है। अब इन दोनों कैंडल के बीच में, ये कैंडल और ये कैंडल दोनों के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि कितना गैप बना हुआ है। इसको अब आप लोग कुछ इस तरीका से समझने का प्रयास करिए कि जब मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया ये वाली कैंडल, और जब ये वाले कैंडल बना तो कुछ यहाँ पे इस तरीका से यहाँ पे ओपनिंग दिया, ठीक है, और इसमें बायर इसको पुश करके ऊपर लेकर के गए यहाँ तक, और फिर यहाँ पे सेलर आते हैं, और फिर सेलर इस रेट को लेकर के नीचे कुछ इस तरीका से यहाँ तक आते हैं, और जहां तक ये मार्केट ऊपर गया था वहां तक इसमें वीक बन जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बायर और सेलर दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पे कंफर्म समझ में आ चुका है। अब यहाँ से किस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा ये देखने वाली बात होती है। जैसे ही ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है इस सपोर्ट के पास में, और इसके बाद में एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन जाए, तब ये हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ से रेट नीचे नहीं जा पाएगा, यानी कि जो सपोर्ट के पास में बायर और सेलर के बीच में लड़ाई चल रही थी, यहाँ पे बायर विन हुए और मार्केट इस तरीका से अब ऊपर निकल जाता है। तो इन्वर्टेड हैमर बनने के पीछे की यही साइकोलॉजी है, बस आपको यही समझना है कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन रहा है ये सपोर्ट के पास में बनना चाहिए, और सपोर्ट के पास में बन रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से ये चीज बन रही है, और ये चीज कन्फर्म कब होगा, जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाएगा तब ये कंफर्म होगा कि नहीं ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बन चुका है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरीका से बनता है और क्यों बनता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम ये समझते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल्स बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट कुछ इस तरीका से ओपन होता है और नीचे फॉलिंग करते हुए आता है, क्लियर है, और यहाँ से फिर बायर आते हैं और इसको लेकर के मार्केट को ऊपर जाते हैं। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पे रिटेलर बायर आते हैं, क्लियर है, और यहाँ पे इस मार्केट को लेकर के कुछ इस तरीके से ऊपर तक जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिटेलर बायर जितना यहाँ पे आते हैं और बाइंग करते हैं तो मार्केट कुछ इस तरीका से यहाँ से ओपन होता है, ओपन होते 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 कुछ इस तरीके से ऊपर चला जाता है, और आपके पीछे, यानी कि आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो समझने वाली बात यह है कि आपके अपोजिट साइड में कौन यहाँ पे सेल कर रहा है, तभी तो आपको क्वांटिटी फुलफिल हो पा रही है ना। रिटेलर बायर यहाँ पे बाई करते 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 मार्केट को ऊपर तो ले गए, लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो आपको बेच रहा है वो ऑपरेटर है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में ऑपरेटर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अपनी सेल करता है कि फिर यहाँ पे रिटेलर कमजोर पड़ जाते हैं, और फिर ये रेट इस कुछ इस तरीका से नीचे चला आता है, और इस तरीका से ग्रीन कैंडल में एक शूटिंग स्टार कैंडल कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो ग्रीन होने के पीछे की साइकोलॉजी तो आप समझ गए। अब ये समझिए कि रेड क्यों हो जाता है ये कैंडल। देखिए, मार्केट यहाँ तक क्लोजिंग दिया था, और जब यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा कुछ इस तरीका से,
तो ये ग्रीन में कैंडल ओपन होगा और फिर यहाँ से रिटेलर बाइंग करना शुरू करेंगे। मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा, जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे रिटेलर कमजोर पड़ेंगे फिर ये नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से नीचे आएगा। और नीचे आते आते एक समय स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पे जहाँ से ओपन हुआ था मार्केट उससे भी नीचे मार्केट चला जाएगा और कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाएगा, और जहाँ तक ऊपर गया था कुछ इस तरीके से वीक छोड़ देगा। अभी सिर्फ ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये शूटिंग स्टार कैंडल बना और धड़ाधड़ एंट्री करने शुरू कर दें शॉर्ट साइड में। अभी हमको ये इंतजार करना है कि क्या ये वाकई में शूटिंग स्टार कैंडल बना कि नहीं। जब तक यहाँ पे एक और रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल ना बन जाए तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा ये शूटिंग स्टार कैंडल बना है। अब जाकर के अब हम ये मान लेंगे कि हमारे जो शूटिंग स्टार कैंडल है ये पूरा परफेक्ट बन चुका है, अब हम ये हमारे लिए काम का है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर में ट्रेड कब ले। यहाँ पर आप लोग ये देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पे हम जो दो कैंडल बनाए हैं रेड और ग्रीन, ये दोनों कैंडल इन्वर्टेड हैमर भी है, क्लियर है, इन्वर्टेड हैमर भी है और शूटिंग स्टार कैंडल भी है। ये दोनों कैंडल एक ही कैंडल होता है, इसका काम अलग अलग होता है। इसका काम को थोड़ा सा देखते हैं। एक तरफ हम बनाते हैं इन्वर्टेड हैमर और एक तरफ बनाते हैं हम आपको शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर और ये है हमारा शूटिंग स्टार कैंडल। दोनों का पहचान एक ही है, सेम पहचान है, बशर्ते काम कहाँ कहाँ पे कौन करेगा इसीलिए नाम बदल जाता है। यदि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल यानी कि ये वाली जो कैंडल है नीचे बॉडी है ऊपर बड़ा सा विक है, ये कैंडल यदि सपोर्ट के पास में बने, यदि सपोर्ट के पास में बने तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। यदि यही कैंडल इस रेजिस्टेंस के पास में बने तो इसी को हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं। इस चीज को एकदम आप लोग अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिए अच्छे तरीके से कि यदि ऐसा कैंडल जो हम यहाँ पे मार्क किए हुए हैं यहाँ पे सर्कल में, यदि ऐसा कैंडल आप जहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किए हुए हैं यदि वहाँ पे ऐसा कैंडल बने तो इसका नाम हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर। और यदि ऐसा ही कैंडल बन जाए रेजिस्टेंस के पास में तो ये हमारा हो जाएगा शूटिंग स्टार कैंडल। इस चीज को आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। बाकी फिर हम आगे बताते हैं कि आप लोगों को कब इसमें ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है। तो इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर में किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, कब ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम कुछ इस तरीका से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, हम यही मार्क किए हुए हैं, मार्केट इसी के अंदर में चल रहा है। कुछ इस तरीका से मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे आता है, कुछ इस तरीका से मार्केट चलता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, कुछ इस तरीका से यहाँ तक जाता है, फिर मार्केट नीचे गिरते हुए आता है। तो अभी तक हमको ट्रेड नहीं मिल रहा है, हम किस चीज का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बन चुका है। अब ये कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए हम दोनों कैंडल यहाँ पे बना देते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले जैसे ही ये कैंडल बना है इसके तुरंत बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कुछ इस प्रकार का चाहिए। यदि इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनता है तभी हम इसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे, अन्यथा इस हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अब इसमें हम एंट्री कैसे करेंगे ये देखिए, ये जो कैंडल है हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुका है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना पहले, इसके बाद में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, और जब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे ही बना हमारा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है एक्टिवेट हो चुका है, अब ये ट्रेड लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया है जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा जो एंट्री प्लान होगा जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान अपना बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट। SL कहाँ पे रखना है, यदि ये ग्रीन कैंडल बहुत ज्यादा लंबा है तो हम इसका हाफ में भी SL रख सकते हैं। इसी कैंडल के जस्ट थोड़ा सा नीचे
अपना यहाँ पे एसएल रखेंगे, बिल्कुल सेफ एसएल होगा। हमको किसी भी ट्रेड में ज्यादा एसएल नहीं देना है, क्योंकि जब सपोर्ट के पास में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनता है और उसके बाद में जैसे ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है तो मार्केट यहाँ से रॉकेट की तरह ऊपर ही निकलता है, नीचे नहीं आता है। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकल रहा है, मार्केट यहाँ पे ऊपर ना निकले, जैसे ही आप एंट्री लिए मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा और फिर नीचे आने लगे, कुछ इस तरीका से नीचे आने लगे, तो आप ये समझ जाइए कि ये जो कैंडल यहाँ पे बना हुआ है ये ट्रैप करेगा और फिर नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ इसके बाद में मार्केट रुकता नहीं है और धड़ाधड़ ऊपर चला जाता है, कुछ इस तरीका से एकदम रेजिस्टेंस तक चला जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमको टारगेट कहाँ कहाँ तक रखना है। इसमें आपको टारगेट जहाँ पे एक स्विंग देखें, यहाँ पे आपको एक स्विंग मिल रहा है, यहाँ पे पहला टारगेट रखिए, यहाँ पे भी एक स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे अपना दूसरा टारगेट रखिए। यदि इस स्विंग से ये वाला ज्यादा दूर है, बात समझ रहे हैं, तब इसको रखिए, नहीं तो ये क्या होगा कि ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा और रेजिस्टेंस तक जाके अपना आपको दे देगा, और थोड़ा सा दूरी पे है तो आपको यहाँ पे तीन ट्रेड मिल जाएगा, तीन टारगेट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री। अब यहाँ से किस तरीके से अपनी क्वांटिटी को कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब आप एंट्री लिए और यहाँ पे 100 क्वांटिटी में आपने किसी स्टॉक को बाई किया, मार्केट चलते गया और टारगेट वन पे मार्केट आके रुका है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट लग रहा है कि यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे अपना 80% क्वांटिटी सेल कर दीजिए और जो 20% क्वांटिटी बचा हुआ है इसका जो एसएल आप लोग यहाँ पे लगाए हैं, अब ये एसएल आप लोग इसी कैंडल के जस्ट नीचे यहाँ पे अपना एसएल ला करके ट्रेल कर दीजिए। अब यदि मार्केट यहाँ से नीचे भी घूमता है तो आपको जो ये 20% क्वांटिटी आप बचा के रखे हुए हैं ये कम से कम सेफ रहेगा और आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। फिर जैसे ही आपका दूसरा टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे भी आप चाहें तो 10% क्वांटिटी सेल कर दीजिए और 10% छोड़े रहिए ताकि और ज्यादा लंबा आपको टारगेट मिलेगा, और फिर से एसएल आप यहाँ पे करिए और जितना दूर तक मार्केट जा रहा है जाने दीजिए, एसएल बढ़ाते रहिए, जो 10% बचा हुआ है और आपके पास क्वांटिटी उसका एसएल बढ़ाते रहिए। तो इस प्रकार से आप लोग इन्वर्टेड हैमर कैंडल में ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यदि इसके बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी यदि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करें, आपको जवाब 100% मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स पैटर्न में ट्रेड कब लें, कैसे लें, एसएल कहाँ पे रखें, एंट्री कहाँ पे लें, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल में ट्रेड कब लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री कहाँ पे लेना है। अभी आपके सामने जो हम चित्र बनाए हुए हैं ये है शूटिंग स्टार कैंडल। अब यहाँ पे हम एक और फिगर बनाने वाले हैं, इसको आप लोग देखिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है शूटिंग स्टार कैंडल, मतलब कि ये शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस के पास में बनेगा। अभी ये शूटिंग स्टार कैंडल सिर्फ बना है और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि एक्टिव है, ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव है ट्रेड लेने के लिए। और ये जो आप लोग शूटिंग स्टार कैंडल देख रहे हैं ये सिर्फ अभी कैंडल बना है, ये अभी हमको ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा। अब हम इसमें देखते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडल में किस तरीके से ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं, मार्केट कुछ इस तरीके से ओपन होता है यहाँ पे और ऊपर जाता है मार्केट, मार्केट फिर रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है, ये हम जितना बता रहे हैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और फिर इसके बाद में मार्केट और इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब ये कैंडल जो बना है ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो हम ग्रीन पे ही आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। तो अभी ये कैंडल, अभी ये शूटिंग स्टार कैंडल सिर्फ बना है, अभी ट्रेड लेने के लिए एक्टिवेट नहीं है। अब इसके बाद में एक हमको चाहिए बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कुछ इस प्रकार से। यदि कुछ इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मिल जाए तो हम अपना एंट्री जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे बना देंगे, अपना एसएल यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग इसको रख सकते हैं। यदि ये वाली रेड कैंडल ज़्यादा बड़ा है तो आप लोग इसको बीच में भी एसएल को रख सकते हैं। ये सारा जितना पॉइंट है ये एसएल है, अब एसएल आप लोगों के ऊपर डिसाइड करेगा
कि एसएल को आप लोग कहाँ पे रखना पसंद करते हैं, और ये कैंडल बनने के पीछे जब आप लोग लाइव मार्केट में रहेंगे और जब जिस तरीके से कैंडल बनेगा, यदि इसका वीक ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो आराम से आप लोग इसी के वीक के पीछे आप लोग रख सकते हैं यहाँ पे। यदि इसका वीक ज्यादा लंबा है, ये वाला कैंडल बना है रेड वाला, और ये रेड वाली कैंडल जो है एवरेज में बना हुआ है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोग बस जस्ट इसके पीछे आप लोग इस सेल डाल सकते हैं। और यही कैंडल यदि ज्यादा लंबा बन जाए, कुछ यहाँ तक बन जाए, यहाँ तक, तो आप लोग इस ट्रेड को छोड़ देंगे, ट्रेड लेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, टारगेट कहाँ कहाँ तक रख सकते हैं, स्विंग देखेंगे। एक स्विंग ये है पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये सपोर्ट, यानी कि टारगेट वन, टारगेट टू और टारगेट थ्री। यदि आप मार्केट में सही तरीके से शूटिंग स्टार को पहचान करके एंट्री लिए होंगे एक्टिवेट होने के बाद में, तो मार्केट आपके एसएल साइड में जाएगा भी नहीं, और यहीं से मार्केट क्या होगा, नीचे गिरता हुआ चला जाएगा और आपका सारा टारगेट अचीव हो जाएगा। और यदि आपको डर लगता है मार्केट में, तो टारगेट वन पे निकल जाइए, टारगेट टू पे निकल जाइए, टारगेट थ्री पे निकल जाइए, जिस तरीके से आपकी मर्जी, या चाहे तो आप लोग थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके अपना टारगेट अचीव करिए। यहाँ पे 80% निकालिए, 50% निकालिए, 50% यहाँ पे, 30% निकालिए, यहाँ पे पूरा 20% निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों को शूटिंग स्टार कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स को यूज करना है अपने ट्रेडिंग लाइफ में। शूटिंग स्टार कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल में आपको हम हर एक चीज बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई डाउट हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आपको कोई डाउट हो रहा हो, तो आप लोग हमसे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आप लोगों का पूरा सपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। हमने आप लोगों को शूटिंग स्टार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल दोनों के बारे में बता दिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक चीज और लेना चाहेंगे, आप लोगों का 2 मिनट टाइम और लेना चाहेंगे, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा सा लिखित रूप में दे रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों को नोट्स के रूप में काम आएगा। चलिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन्वर्टेड हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, दोनों यहाँ पे बना हुआ है। दोनों में अंतर क्या है, आपस में यहाँ पे अंतर है। ये पहला जो है ये इन्वर्टेड हैमर के लिए है, दूसरा जो है ये शूटिंग स्टार कैंडल के लिए है। उसी तरीका से इसमें इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। इसको थोड़ा सा हम पढ़ करके आप लोगों को समझा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। देखिए, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस कैंडल का निर्माण डाउन ट्रेंड में चल रहे शेयर के बॉटम पर होता है, यानी कि सपोर्ट के पास में होता है। क्लियर हुआ बात, जो कि मैंने पीछे अभी समझाया है। अब ये मैं पढ़ रहा हूँ शूटिंग स्टार। इस कैंडल का निर्माण अप ट्रेंड में चल रहे शेयर के टॉप पर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास में होता है, जो कि मैंने पहले ही बता चुका है आप लोगों को। चलिए, इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, शूटिंग स्टार बेरिश ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। क्लियर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद ट्रेडर बेयरिश दौर का अंत मानकर चलता है, यानी कि जब सपोर्ट के पास में इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो जो ट्रेडर हैं ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा था, अब वो दौर समाप्त हो चुका है और यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड चालू होने वाला है। उसी प्रकार से शूटिंग स्टार जब बनता है रेजिस्टेंस के पास में, तो ट्रेडर ये मान के चलता है कि जो सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर आ रहा था, अब उसका दौर यानी कि जो ट्रेंड था समाप्त हो चुका है और यहां से अब डाउन ट्रेंड चालू होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद बुलिश होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमने अभी पीछे बताया है कि जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बने, उसके बाद एक बुलिश कैंडल होना एकदम जरूरी है। क्लियर है, इसी प्रकार से शूटिंग स्टार में, यदि शूटिंग स्टार कैंडल बना, तो इसके बाद वाली जो कैंडल बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना जरूरी है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये हम इन्वर्टेड हैमर बना रहे हैं और इसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना जरूरी है। ये रहा आपका इन्वर्टेड हैमर। इधर हम आपको दिखा रहे हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार कैंडल बना इस तरीके से सपोर्ट के पास में, रेजिस्टेंस के पास में, और इसके जस्ट बाद में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए। दैट्स इट, कहानी खत्म।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल्स के बारे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें कवर कर दिया है, यदि इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो, कुछ हमसे पूछना हो, हमसे बात करना हो, तो आप लोग कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखें।